हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ एक दिन में तैयारी कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, है ना, तो हेलो टू स्टडी हुल सिलेबस एक दिन में कंप्लीट कैसे करें, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपको तैयारी कैसे करनी है एग्जामिनेशन की, यदि आपका एग्जाम मान लो कल ही है तो आपको तैयारी कैसे करनी है, ये पूरा मोटिवेशनल वीडियो आप अंत तक देखिए। तो आप देख पा रहे हो, अब सब काम को छोड़ दीजिए, आपको बस वन नाइट बिफोर, ये टिप आपके लिए बहुत बढ़िया। आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ा सिलेबस है, बस आपको क्या करना है, इस सिलेबस को ज़्यादा मत देखिए, ज़्यादा मत सोचिए, आपको जो मैं बताऊँ वो काम करना है एक नाइट से पहले। यदि आपके पास क्या है, अब सिलेबस में पढ़ने के लायक कुछ भी नहीं है, मतलब आपको आपके साथ क्या होने वाला है, तो आपके साथ दो सब्जेक्ट होंगे, एक तो थ्योरी लेस और एक न्यूमेरिकल। तो इसके बारे में क्या करना है आपको, तो न्यूमेरिकल है तो इसको बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा, थ्योरी है बहुत इजी पड़ेगी। इसके आगे हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा थ्योरी कैसे पढ़नी है, न्यूमेरिकल कैसे पढ़ना है आपको, है ना दोस्तों। तो इसके बाद क्या करना है आपको, नंबर वन क्या करना है आपको, एक सॉन्ग रखना है आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो बहुत अच्छा, फिर एक चाय का कप रखना है या फेवरेट कुछ भी हो, कॉफ़ी हो या फिर कोको, तो आपको इनमें से कुछ रख देना है। आपको शरीर के बारे में कुछ नहीं सोचना, आपको जब भी नींद आएगी सॉन्ग सुन लेना है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। चाय पी लेनी है आपको, एक रात से पहले कुछ नहीं करना, ये काम जरूर करना है एक दिन के लिए। सिर्फ आपको सोने से पहले एक गाना, मतलब नींद आते ही 3 मिनट का एक सॉन्ग रखिए, कम से कम आपका जो फेवरेट हो उसको सुन लिया करो। उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, उससे क्या होगा आपका पढ़ाई करने में मन लगेगा अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपको फ़ोन चलाने का मन कर रहा है फ़ोन को मत चलाइए, इस गाने से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फ़ोन को साइड में रख दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपको एक दिन के लिए, आप उसको भी रिमूव कर सकते हो मोबाइल को। आपको मान लो पहले करते हैं अपन नंबर वन थ्योरी का पार्ट और न्यूमेरिकल की पार्ट की बात। तो आपको एक मिनट के लिए क्या करना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो आपको 40% नंबर रिटर्न से ला सकते हो, एक मिनट में आप 40 पढ़ते हो, उससे 40 मिनट तक आप 4 मिनट तक लिखोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ओनली क्या करना है, रीडिंग करनी है, जो आपको अच्छे से याद हो उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, तो आपका 50% नंबर तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, मतलब यानी कि आपका 40% टाइम बच जाएगा, और लिखोगे तो 40% टाइम आपका बेकार जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बेटर क्या होगा आपको, लिखना कुछ नहीं है। नंबर वन क्या होगा आपको, न्यूमेरिकल जो बेटर लगते हैं, मान लो जो पहली बार देखने मिल रहे उसमें कुछ अलग मेथड है, तो वो क्या करना है आपको, ट्राई करना है, तो उससे क्या होगा आपका बेटर होगा। नो टाइम पास, उसमें कोई आपको टाइम पास नहीं करना। जैसे आपको स्टार्टिंग मोटिवेशनल प्रेस होगा, तो सुबह सुबह आप क्या कर दिए, सबसे पहले थोड़ी को से उठाइए, और उसमें आपको क्या होगा, पढ़ने में फ्रेश माइंड रहेगा, तो इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप पढ़ने में मन लगेगा, या आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने ऐसे आपको सेट करके पढ़ा बता रहा हूँ वीडियो में, कि बहुत सारी मेहनत लग रही है इस वीडियो में, आपको पता नहीं होगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल आपको फ्रेश माइंड के जैसे ऐसे, मतलब आपको घड़ी में ध्यान रखना है और आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आपका कोई भी इसमें मूल्यवान समय नहीं जाने वाला। आपको बहुत सारी तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल को कैसे करना है आगे और बताऊंगा, कितने नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो ऐसे पढ़ाई करके सुबह से शाम तक। ये देखो, आप ऐसे तैयारी करोगे फ्रेश माइंड होकर के, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप 50% की आपने तैयारी कर रखी है, फिर 60 की कर रखी है या 30 की कर रखी है, तो आप इससे क्या होगा और नंबर क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, तो 75% आप इसमें ले करके आ सकते हो। आपने तैयारी ऐसे की तो आपका कोई भी रोक नहीं पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप अब क्या करना चाहते हो, न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हो, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफ कोर्स, तो आपकी इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। मान लो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपका माइंड में घूम रहा है कि इसको कैसे पढ़े, तो उसको क्या करना है आपको, फर्स्ट टाइम क्या करना है, जो भी न्यूमेरिकल आपको मान लो जैसे किसके लगे,
अकाउंटेंट के, मान लो आपको वेरी फर्स्ट मोर मार्क्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो अकाउंट का सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ है, इसके लिए क्या करना है, फिजिक्स ट्वेल्थ की हो उसमें क्या है बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको क्या करना है जो नया कॉन्सेप्ट लगे उसी को उठा करके डायरेक्ट रीडिंग मार देनी है। तो एक बार उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रह पाएगा, आपके मोर्क्स मार्क्स आ पाएंगे, क्योंकि नए नए टॉपिक पढ़ते हैं तो वो अच्छे से याद रह जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। डू क्वेश्चन मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आए उसको ट्राई कीजिए, ट्राई किसे करना है, नए मेथड को ट्राई करना है, तो आपको बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिलेगा और आपका पढ़ने का बहुत सारा मन करेगा। तो आपको ऐसे पढ़ते रहना है, बिल्कुल आपको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते करके पढ़ना है, और आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या आप ट्वेल्थ इलेवंथ आईटीआई किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो तो उसमें आप ऐसे टॉप आ सकते हो। तो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये ऐसे पढ़ना है, ये बहुत सारा ज़रूरी है। यदि आपके दोस्त भी ऐसा तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार डाउनलोड करके रख लीजिए, आपको जब भी मन करे तब इस वीडियो को देख लीजिए और आपका बहुत सारा पढ़ने में मन लगेगा। एक बार मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखा करो, पढ़ने से पहले मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप 99% आप मार्क्स ले सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंदर, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो भगवान से हाथ जोड़े कि मेरे पास करवा देना, तो भगवान पास करवाने नहीं आएगा। बाद में भी आप भगवान को याद कर सकते हो, जब आप घर पे बैठे हो आपको 24 आवर्स कब कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कोई भी लाइफ में चेंज नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए खुद को मतलब मोबाइल को ऑफ कर देना है, लैपटॉप कंप्यूटर को एक साइड में छोड़ देना है और पढ़ने में लग जाना है, तो आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों मोबाइल लैपटॉप सभी को रिमूव कर दीजिए एक दिन के लिए और आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाद में भगवान को याद कीजिएगा, सर मैं पेपर दे के आ गया, उसके बाद आप भगवान को याद कीजिए। तो आपके लिए मैं एक शायरी लेकर के आया हूँ, तो ये आप देख पा रहे हो, ज़मीन से जुड़कर आसमान की बात करो, सपनों में नहीं हकीकत में मुलाकात करो, तूफान से डरते हैं बुजदिल यारो, मुसीबत गई की तरह हो तो दो हाथ करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मुसीबत में मर्द की तरह दो दो हाथ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।